नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ई शाला में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ई शाला के सभी वीडियो के लिए आप ई शाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। 2 अप्रैल 2017 को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर, प्रदीप नंद्राजोग। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने 2 अप्रैल 2017 को राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री प्रदीप नंद्राजोग को मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। किस देश के प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को राजस्थान यात्रा पर आए थे? सही उत्तर, मलेशिया। एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री हाजी मोहम्मद नाजिब बिन तुन अब्दुल रजाक और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत राजस्थान में किया गया। हाल ही में राजस्थान के किस विधायक को राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है? सही उत्तर, वासुदेव देवनानी। केंद्र सरकार ने शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज NCPSL का सदस्य मनोनीत किया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत गठित इस राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2017 में संदेह स्टाम्प शुल्क पर 10% अतिरिक्त अधिभार लगाया है? सही उत्तर, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2017 में एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अधीन समस्त लिखित संदेह स्टाम्प शुल्क पर 10% की दर से अधिभार लागू किया है। राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया? सही उत्तर, धौलपुर। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल 2017 को हुए उपचुनाव में वीवीपैट मशीन का प्रयोग हुआ, जो राजस्थान में किसी भी चुनाव में पहली बार किया जा रहा है। इनमें 219 मूल मतदान केंद्र एवं 12 सहायक मतदान केंद्र थे। राजस्थान सरकार ने किस जिले में रिफाइनरी लगाने के लिए HPCL के साथ 18 अप्रैल 2017 को समझौता किया? सही उत्तर, बाड़मेर। राजस्थान सरकार तथा HPCL के बीच 18 अप्रैल 2017 को यह ऐतिहासिक समझौता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में हुआ। 43,129 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली इस रिफाइनरी से BS6 लेवल के तेल का उत्पादन होगा तथा इस रिफाइनरी में राज्य की हिस्सेदारी 26% की होगी। किस राज्य सरकार ने 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने वाला विधेयक पास किया? सही उत्तर, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा ने 26 अप्रैल 2017 को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 2017, राजस्थान मंत्री वेतन द्वितीय संशोधन विधेयक 2017 एवं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए। किस राज्य सरकार ने 26 अप्रैल को माल और सेवा कर विधेयक GST 2017 पास किया है? सही उत्तर, राजस्थान। तेलंगाना और बिहार के बाद राजस्थान ने 26 अप्रैल 2017 को राजस्थान में भी राज्य वस्तु एवं सेवा कर GST बिल पारित हो गया। राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र के दूसरे चरण के अंतिम दिन राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2017 को संशोधित रूप में ध्वनिमत से पारित कर दिया। कल्पित वीरवाल, जिन्होंने JEE मेन 2017 परीक्षा में टॉप किया है, राजस्थान के किस शहर से हैं? सही उत्तर, उदयपुर। JEE मेन 2017 में राजस्थान के कल्पित वीरवाल ने टॉप किया है। उदयपुर के कल्पित वीरवाल ने 360 में से 360 अंक हासिल किए। JEE के एग्ज़ाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विद्यार्थी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 120 में से 120 नंबर हासिल किए हैं। गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर, जैसलमेर। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में
गोडाउन को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में गोडाउन का हैचिंग सेंटर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके पश्चात बारा जिले के सोरसन में एक ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।